Hello friends, welcome to my YouTube gaming channel Born to Play Games. So friends, in this particular video, I am going to show you how can you fix Call of Duty Warzone memory error 01766. So without wasting any time, let's start the video. But before that, you have to like my video and subscribe my YouTube gaming channel Born to Play Games for the more informative videos. So let's start. But friends, if you are English visitor, then you have to click on below link which will be in comment section or description, because this video is going to be in Hindi for some reason, because my English is not good. So you have to visit my website in order to fix your problem. But if you are Hindi visitor, then you can watch this video. So don't forget to visit my website, in which you will get the exact solution how to fix memory error 01766. So let's start. तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो यार, अभी आप लोग देख रहे होंगे, मैं कुछ दिन से एरर की वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट को भी कोई विजिट करके देखे, तो मुझे तिकड़मबाजी करनी पड़ी. तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ. सबसे पहले आपको अपना जो राउटर है उसको अनप्लग्ड करना होगा. वाईफाई का राउटर को आपको अनप्लग्ड करना होगा. अनप्लग्ड करने से क्या होगा, कई बार क्या होता है, नेटवर्क की सेटिंग रिसेट करनी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है. तो आपको क्या करना है, वाईफाई का राउटर को अनप्लग करना है. यू हैव टू अनप्लग्ड यूर वाईफाई राउटर फॉर 30 to 50 seconds. आफ्टर दैट यू हैव टू प्लग इट इन ऑन. After that, you have to plug it. उसके बाद आपको लगा लेना है इस राउटर को. अगर ये मेथड भी आपके लिए वर्क नहीं किया, तो आपको अपने कंसोल को रिसेट करना होगा. अब ये कंसोल वाली बात जहाँ आ गई है, तो एक्सबॉक्स की बात आ गई, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंसोल को कैसे रिसेट करते हैं यार, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप तो वेबसाइट में बताया, तो आपको उधर विजिट तो करना ही पड़ेगा. फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको अपना एक्सबॉक्स का पावर बटन को प्रेस करना होगा, एंड उसके बाद आपको प्रोफाइल एंड सिस्टम टैब में जाना है. देन यू हैव टू गो ऑन सिस्टम टैब, एंड हियर यू विल सी कंसोल इन्फो. कंसोल इन्फो जाने के बाद रिसेट कंसोल में क्लिक करोगे, तो आपका कंसोल रिसेट हो जाएगा, और इससे आपका प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है. बट अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है, तो आपके गेम को रिपेयर करने की ज़रूरत है. बट ये वाला प्रोसेस जो है सिर्फ पीसी यूज़र कर सकते हैं अपने में. उन लोगों को क्या करना होगा, जस्ट यू हैव टू गो ऑन अपना गेम डायरेक्टरी. गेम डायरेक्टरी में जाना है, और आपको सारे के सारे रैंडम फाइल्स को डिलीट कर देनी है. उसके बाद आपको बैटल नेट को ओपन करना है. बैटल नेट को ओपन करने के बाद आपको गेम के सेटिंग टैब में जाना है, और वहाँ स्कैन एंड रिपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा. तो वहाँ से आपको अपने गेम को स्कैन एंड रिपेयर में क्लिक करना है. उसके बाद आपका गेम रिपेयर हो जाएगा, और जो अनवांटेड एरर था वो आपका फिक्स हो जाएगा. इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग सेम प्रॉब्लम, देन यू हैव टू टर्न ऑफ HDR सेटिंग इन गेम. तो कई बार क्या है, ग्राफिक्स का भी मामला होता है. कई बार हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स के कारण भी आप इस टाइप का एरर को फेस कर पाते हो, मतलब बेसिकली रेंडरिंग एरर को. तो आपको 1080p रिजोल्यूशन पे स्विच करना है. ये हो गया हमारा मेथड. अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको अपने गेम को सिंपली रीइंस्टॉल करना है. यू हैव टू रीइंस्टॉल योर गेम. सो फ्रेंड्स, इफ यू गॉट हेल्प बाय दिस वीडियो, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब गेमिंग चैनल बॉर्न टू प्ले गेम्स, एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट टू फिक्स दिस सॉल्यूशन. ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया. ओके, बाय बाय.